भूल जाना, माँ बाप को भूल जाना। और मैं सिर्फ यही नहीं, मैं जब भी मेरे प्रोग्राम में जाता हूँ तो ये चीज बताते रहता हूँ, माँ बाप को भूल जाना है बहुत ही हर नए बच्चे में देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जो आगे में बैठे हैं इन लोगों ने एक चीज सोच लेना। और मैं जो अभी एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ अनवांटेड लाइफ, इस अनवांटेड लाइफ में भी वो चीज दिखाया है। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो अभी बनने को है, अभी आने को है, आएगी कब, बनेगी कब मालूम नहीं। बस जो चीज मैंने वहां पर दिखाया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। होता यूं है कि छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग दुनिया में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये रियलिटी है। और ये रियलिटी जो है ना थोड़ा अलग अलग है, यहाँ पर अलग करना है, इस थॉट को अपने दिमाग में रखना है। इंजॉयमेंट के साथ में सीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं बाप हॉस्पिटल के बाहर रहता है, बेटे के पैदा होने की राह देखता है, और जब जब बेटा हो गया तो मुझे लगता है शायद उसकी खुशी जो है पूरे दिल में नहीं समाती, इसीलिए खुशी को एक पेड़े का रूप देता है और पूरे गाँव में पेड़े बांटता है। लेकिन जिस दिन उसके साथ में कुछ बुरा होता है ना, उस दिन वो जो बाप है सोचता है क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बच्चे को पेड़ पैदा करके बड़ा किया था। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मेरे एक दोस्त है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बोलूंगा, बूढ़े हो चुके हैं, लास्ट अंतिम स्टेज पे हैं। मेरी दोस्ती बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में, उम्र में बहुत बड़े बड़े, पैसे से बड़े बड़े नहीं, उम्र में बड़े बड़े लोगों के साथ में। उन्होंने एक चीज बोला था, जिंदगी में क्या कमाया क्या हीरे क्या मोती, जिंदगी में क्या कमाया क्या हीरे क्या मोती, दोस्त जाते समय में एक याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। सही बात है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कफन में जेब नहीं होती ना, तो माँ बाप को छोड़ के मत कमाइएगा, माँ बाप को पकड़ के कमाइएगा। बस बस यहाँ पर ये मेरा एक संदेश आपके लिए है, चाहे मानो तो अच्छी बात है, न मानो तो आपकी मर्जी है।